वहीं रायसेन जिले के सुल्तानपुर में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक ट्रॉला बेकाबू होकर बारात में घुस गया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल घटना स्थल पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क किनारे बारात निकल रही थी, तभी पीछे तेजी से आ रहे ट्राले ने बारातियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। सारे यहां खड़े हुए हैं और हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ यहां मौजूद है, और इसमें एक सीधे 2 पेशेंट आए थे अभी, जिसमें एक अति गंभीर था, जिसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसे हेल्थ सेंटर पर रेफर किया। दूसरा उसे भी काफ़ी छोटे हैं और क्योंकि वो भी गंभीर स्थिति में है, उसे भी रेफर किया। सर कितने लोगों की मौत हुई, कोई जानकारी मिली अभी तक? सर ये मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितने वहाँ पर कैजुअल्टी हुई है, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 पेशेंट आए हैं, वो अभी गंभीर हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कैजुअल्टी लाइक जैसी। हादसा कैसे हुआ ये पता पड़ा आपको? हादसा क्या का हुआ है? हादसा ये पता लगा कि वो डंपर में एक कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो ये पता लगा।